एक बार फिर से खूंटी पर टांग दिया कानून। लाठी के जोर पर दबंगों ने कानूनी धाराओं को कर दिया धागा धागा। जमीन विवाद में एक परिवार पर टूट पड़े दबंग, न बच्चों को बख्शा न बुजुर्ग को छोड़ा। एक एक तस्वीर पैदा कर देगी सेहरन। बस्ती से निकली ये तस्वीरें कानून के दम तोड़ देने की है। वजह ये कि पहले बड़े ही बेरहमी से दबंगों ने कानून को अपने जूतों के तले कुचल दिया, फिर बारी आई कार्रवाई की तो खाकी के लाल भी दबंगों के सरपरस्त निकले। क्या हमारे घर के पीछे जमीन जमीन भी बादी नहीं रहा, एक प्रधान भइल रहा, उसके बाद में वो एक यादव के नाम बानगढ़ का यादव है, सत्यनारायण नाम है, उसके नाम पट्टा कर दिया। मेरे बाप उससे मुकदमा लड़ी, वो 8 बार कम से कम हमारे घर पर हमला किया, गाड़ी भी दिया, बार बार मारने भी आया। जब अपने नहीं जीत पाया भैया तो हमारे बाबूजी कोर्ट का सहारा लिए करवा दिया। उसके बाद उसकी सब कुछ कागज खत्म हो गई, उसका नाम खारिज हो गया, कुछ नहीं है उसका। वहाँ मामला अभी भी कोर्ट में है, सब कुछ नहीं है सर। भैया क्या इसे पहले भी मारने की धमकी देता था? मारे धमकी दी, हमारे दरवाजे पे चढ़ चढ़ गई भैया। इसकी सूचना कभी दी है पुलिस को? हमारा भाई ने शिकायत दिया है कोर्ट में, फिर भी जो है मार दिया। नहीं नहीं हुआ थाने से। आज जब आपने सूचना दिया थाने से तो कार्रवाई हो रही है? आज क्या देखें, आज तो अपनी बीमार हालत में सबकी में पड़ गए हमारे चारों मरीज भैया, हम कहाँ जाए थाने। कितने लोग को चोट लगी है? सभी सामने है आपसे। कितने? 5 लोग, 2 हमारी भतीजी है। बस्ती के वॉल्टरगंज थाना इलाके के औशियापुर गाँव के रहने वाले चंद्रभान का अपने ही पड़ोस के गाँव में रहने वाले हेमवंत, दिनेश लाल, पवन और सत्यनारायण से जमीनी विवाद चल रहा है। वैसे तो मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन फिर भी गुंडई के दम पर ये दबंग उस जमीन पर टंकी रखने पहुंचे। तैयारी पहले से थी, इसलिए साथ में लाठी डंडे लेकर पहुंचे। जानकारी मिलते ही चंद्रभान और उनका परिवार भी आ गया, और जब टंकी रखने का विरोध किया तो दबंगों का पूरा झुंड चंद्रभान के परिवार पर टूट पड़ा। कैसे चोट लग गया? सरिया से मार रहे थे लोग। कौन लोग थे? 5 लड़के, सत्यनारायण यादव के घर के सब थे, उनके बेटे वो लोग, कई लोग और थे। हम बचाने चक्कर में गए, अपने पति को हमको मारे हैं काली चढ़ा। कितने लोग थे मारे हैं? 10-20 लोग थे सर, मारने वाले उनके बेटे हैं। किस चीज से मारे हैं? यहाँ से मारे, राड से मारे हैं। किस बात को लेके भी बात था? जमीन के खाते की बात था, जब हाँ कब्जा कर रहा था जबरदस्ती आके। दबंग टाइप के हैं ये सब? हाँ सब लोग दबंग है सर। गुंडई के हालात देखिए, पहले चंद्रभान से मारपीट की, फिर उसकी पत्नी को पीटा, यही नहीं नाबालिग बच्ची पर भी लाठी डंडे बरसा दिए। लेकिन चीख पुकार की आवाज सुनकर जब बुजुर्ग पहुंचे तो उनको भी बेरहमी से पीट दिया। हम लोग घर पे थे, अचानक से सत्यनारायण यादव दूसरे गांव के रहने वाले अचानक से आ गए, टंकी रखने एकदम घबरा के हम लोगों के ऊपर हमला कर दिए। बड़े बड़े सरिया सबल से लोगों को मारने लगे। हमारे घर में कोई लोग नहीं थे, हमारे चाचा चाची बस 2-4 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। कितने लोग बेटा घायल हुए आपकी तरफ से? हमारी तरफ से 4-5 लोग हैं। लाठी डंडे के दम पर पूरे परिवार को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, और फिर सारे के सारे दबंग वहां से भाग खड़े हुए। बड़ी मुश्किल से चंद्रभान थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया, लेकिन यहां जाकर पता चला कि इन मवालियों की जेब में बस्ती का कानून पहले से ही है। हम लोग अपने घर पे वो मौजूद थे, सिर्फ हमारा परिवार था, हमारे पिताजी थे, उसके बाद सत्यनारायण यादव बानगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा उनका जमीन का विवाद चल रहा है, अभी हमारा उनका कोई फैसला नहीं हुआ, जबरदस्ती लाके टंकी रखने लगे, और वो लोग कई लोगों के साथ आए और राड लोहे का राड सब्बल लेके आए थे, बस हम लोगों को सीधे पहुंचते मारने लगे, मार मार के जब घायल कर दिए तो हम भाग के थाने पर गए। थाने पर गए तो वहाँ से पुलिस बुलाए, उतने मारे, हमारे पिताजी का हाथ 2 जगह टूट गया है, हमारा सर फट गया, हमारे वाइफ का सर फट गया, हमारी बिटिया का कमर टूट गया। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? हमला करने वाले में तो सर कई लोग थे, लेकिन हम 4 लोगों को जानते हैं। क्या नाम है? सत्यनारायण यादव है, ये पहले से सर हत्या और डकैती में जेल भी काट चुके हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, और उनके 4 लड़के थे। सर अभी एक थाना वाल्टरगंज में कुछ मामला हुआ, क्या कुछ जानकारी है सर? अभी 2 मरीज यहाँ पर भर्ती किए गए हैं, हॉस्पिटल आए हुए थे, क्या स्थिति है सर उनकी? अभी उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी भर्ती के लिए इलाज जारी है, 24 घंटे के बाद इसके बारे में। केवल 2 लोग आए थे सर?
टोटल 5 लोग आए, 2 लोग की भर्ती की गई। अच्छा, 2 लोग भर्ती की, 3 लोग स्टेबल। चंद्रभान की शिकायत पर फिलहाल चारों मवालियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है सिर्फ इतना कि आखिर इन लुच्चों की बाजुओं में इतनी ताकत कहां से आ गई कि दिन के उजाले में कानून को कुचल डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज, नया भारत। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भूअर निरंजनपुर महसो रोड जेल गेट के सामने।